का एक पूरा वीडियो फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। दो पक्ष आपस में किस कदर भिड़े ये आप देखिए। बंदूक और कारतूस की बेल्ट लेकर घूमते व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। खेत से चक्रोट डालने को लेकर विवाद हुआ था। खेत में जो चक्रोट डालना था उसको लेकर कहासुनी हुई, मामूली कहासुनी और फिर विवाद बढ़ा और फिर काफी देर तक ये हंगामा वहां पर। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शमी गौतम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शमी, कब का ये वीडियो है और क्या हुआ था वहां पर, जरा बताइएगा। आपको बता दें कि ये हाथरस का मामला है, हाथरस सादाबाद के बहादुरपुर का मामला है, जहाँ पर इस सोनपत्र जैसी बड़ी घटना आज होने से बाल बाल बच गई। और जहाँ दबंग कुछ दबंग आए जिन्होंने एक जमीनी की विवाद को लेकर आपस में पहले मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और वहाँ ऐसा बताया जाता कि वहाँ फायरिंग भी हुई वहाँ, और जिनके गले पर लोग वहाँ एक राइफल लग रही है और कारतूसों की बेल्ट भी लटकी हुई है, वो तो वहाँ कह सकते हैं कि कैमरे के डर से और मोबाइल के वीडियो के बनने से डर से ये घटना बाल बाल होने से बच गई। और प्रशासन का इसमें वो सीधा सीधा आपको नजरिया देखने को मिल ही रहा है इस वीडियो का। ठीक, और खुलेआम बंदूक लेकर शमी, क्योंकि अब काफी देर तक हंगामा वहां पर हुआ है, जैसे कि स्थानीय लोग भी कह रहे हैं काफी देर तक हंगामा हुआ, लेकिन प्रशासनिक अमला वहां पर नहीं पहुंचा, किसी ने पुलिस को भी सूचित नहीं किया, आपस में ही लड़ते रहे। ये बिल्कुल, आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल होने के बाद जब ये बात मीडिया में आई है उसके बाद पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी हो पाई है, जिसके बाद वह प्रशासन हरकत में आया है और लोग वहाँ पीड़ित जो लोग हैं जो जिन दोनों लोगों के बीच जमीन का विवाद हुआ है वो लोग फिर जाकर थाने पहुंचे हैं वहां जाकर, और ये खुली बिल्कुल तबंगी हो रही है, खुला बिल्कुल वीडियो जो है उसमें लोग राइफल और असले लेकर खुली वहां तबंगी दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी पर एसपी साहब जुड़ गए हैं, सिद्धार्थ मीणा। सिद्धार्थ जी, क्या ये वीडियो के पीछे की पड़ताल अभी तक हो पाई है और ऐसे कैसे बंदूक लहराते हुए हथियारों के साथ दिख रहे हैं लोग यहाँ पर? ये दो पक्षों के बीच में, खेत के बीच में कच्चे रास्ते पर विवाद हो गया था। एक पक्ष का कहना है कि दूसरा पक्ष उस कच्चे रास्ते को अपने खेत में मिलाना चाह रहा था। जब वाद विवाद बढ़ा तो दूसरा पक्ष अपना असले लेके वहां आ गए थे, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो राइफल जो है उसको जब्त कर लिया गया है, शीघ्र ही बाकी का अभियुक्त गिरफ्तारी कर लेंगे। सिद्धार्थ जी, कब का ये पूरा मसला और क्या पहले कोई शिकायत दी गई थी इस पूरे मसले को लेकर, पहले कोई रिपोर्ट दी गई थी, कोई शिकायत की गई थी? ये आज सुबह का घटनाक्रम है और बता दो उसमें कोई भी हताहत नहीं है और फायरिंग नहीं हुई है उसमें। और बाकी लेकिन हथियारों के साथ जा रही है, हथियार लहराते हुए साफ तौर पर इसमें दो तीन जो शख्स हैं वो वीडियो में भी हम साफ तौर पर देख रहे हैं, हथियार लहराते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो हथियार लेके आया था लेकिन फायर नहीं हुआ था। हथियार को हमारे जब्त कर लेगा, उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, डीएम की रिपोर्ट पेश। सवाल ये कि इनके पास हथियार कैसे आया और हथियार है तो लाइसेंसी है, क्या जानकारी इसको लेकर? बाकी जितने भी शेष तथ्य उनकी जानकारी की जा रही है। अवगत करा दीजिए। कब से ये पूरा इनका विवाद चल रहा था जमीन का, क्या कह रहे हैं दोनों ही पक्ष के लोग? आपने बात की, पूछताछ हो पाई है दोनों ही पक्ष के लोगों से, कब से विवाद चल रहा है? एसडीएम मौके पर पहुंच गई थी, एसडीएम इस संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी रिपोर्ट ले रही है वहाँ पे और जैसा रिपोर्ट आएगा। और कितने लोगों को आप कह रहे हैं हिरासत में लिया, कुछ हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी हुई है, जरा बताइएगा। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। हाँ। और असला भी जब्त कर लिया गया है जो राइफल है, बाकी की गिरफ्तारी कर ली है। अभी और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है पूरे मामले की पड़ताल के बाद। ठीक, शुक्रिया आपका सिद्धार्थ मीणा जी, एसपी हाथरस। उन्होंने कहा कि कार्रवाई हो रही है लगातार, आगे जो भी दोषी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और शमी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। शमी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं।